नमस्कार दोस्तों, पंच ऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। सीटेट 2019 की लगातार हम तैयारी कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम मनोविज्ञान के संप्रदाय का अध्ययन करेंगे। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, प्रश्न जरूर आएंगे और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी भी है। संरचनावादी संप्रदाय, इसके प्रतिपादक थे विलियम बुंट। किस देश के निवासी थे? जर्मनी। हालांकि देश नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, संप्रदाय और प्रतिपादक ही पूछा जाएगा, इसलिए इन दो टेबल को तो जरूर याद कीजिएगा और लिख लीजिए। कार्यतमवादी संप्रदाय विलियम जेम्स। गेल्टालवादी या समग्रवादी संप्रदाय, इसके तीन प्रवर्तक हैं मैक्स बर्बीमर, कोहलर और कुल्डकोफ का, तीनों ही जर्मनी के निवासी हैं। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय सिगमंड फ्रायड, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं ये। सहचार्यवादी संप्रदाय जॉन लॉक, इंग्लैंड के निवासी हैं ये। प्रेरकीय संप्रदाय प्रयोजनवाद विलियम मैकडूगल, इंग्लैंड के निवासी हैं। व्यवहारवादी संप्रदाय वाटसन, ये अमेरिका के निवासी हैं। तो इस तरह हमने ये जो मनोविज्ञान के संप्रदाय थे और उनके प्रतिपादक थे, उनकी एक टेबल याद की। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज कर और याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए उपयोगी है। सभी बालक जन्म से समान होते हैं, ये किसने कहा? ये वाटसन ने कहा। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो, किसके कथन है ये? स्ट्रेंग का कथन है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये किसका कथन है? क्रोबा क्रो का। किस मनोवैज्ञानिक ने जीवन के प्रथम 5 वर्षों को निर्णायक बताया है? इसके कौन है? मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऊपर हमने पढ़ा है सिंडवंड फ्राइट ने। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा? ये बुडवर्थ ने कहा है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, बुडवर्थ ने कहा है, याद कर लीजिएगा, बहुत आता है बुडवर्थ का। अधिगम का अर्थ है, क्या अर्थ है अधिगम का? व्यवहार में परिवर्तन। देखिए, अधिगम का अर्थ है सीखना, और सीखने से क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है, ये कथन किसके है? अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है, बीओ स्मिथ के ये विचार है। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम है, ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम है, ये किसने कहा? क्रो एवं क्रो ने कहा है। सीखने की प्रक्रिया के तीन मुख्य नियम है, कौन कौन से मुख्य नियम है? तत्परता का नियम, अभ्यास एवं परिणाम का नियम और प्रभाव का नियम। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास एवं परिणाम का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये सारे किसने क्या कहा, ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। प्रतिपादक याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जो मनोविज्ञान के संप्रदाय के हैं। इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, जिससे कि आप रोज के रोज याद करते रहें। तो आज का आज आप यही याद कीजिएगा, मनोविज्ञान से संबंधित, और आपके सीटेट परीक्षा के लिए और सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा के लिए बहुत सहायक है। और चेंजेस ने जो भैया नए लोग देख रहे हैं, वो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।